एक दोआ का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है कैमरे का। तो इसमें फॉल्ट जो है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं एलसीडी पे सिर्फ लोगो पे स्टक है, लोगो आ रहा है, इसके आगे ये बिल्कुल नहीं प्ले होता, मतलब आगे स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आता, इसी पे खड़ा रहता है और फिर बंद हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो इसका सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ईजी है। जस्ट अगर आपके पास प्रोग्रामर है, मौजूद है, तो इसका सिर्फ एक प्रोग्राम होने वाला है और कोई ख़राबी नहीं है इसमें। तो मैं आपको ये प्रोग्राम भी आपको फ्री में मिल जाएगा, जैसे वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, पीसी पे। तो यहाँ पे मेरे पास हर किस्म का प्रोग्राम पड़ा है, एलईडी वगैरह का भी। तो यहाँ पे सिंपली आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है दुआ की, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो काम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देख लेना है कि ये जो मॉडल है इसका मॉडल कौन सा है। ये मॉडल आपने नोट कर लेना है, ये DHXVR1A04, ये आपने कहीं लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली जो आईसी है इसे आप फ्लैश करने, इसे हम फ्लैश करेंगे। ये 16 MB की इसकी मेमोरी है और ये हम फ्लैश करेंगे। इसी तरह रिसीवर वगैरह का भी सॉफ्टवेयर फर्मवेयर इसी तरीके से होता है। तो ये हम अपने लैपटॉप पे आते हैं, तो अभी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह नहीं है, तो ये मोबाइल से ही मैं करूँगा। तो सबसे पहले आपने वो मॉडल यहाँ पे सर्च कर लेना है, नीचे लिंक दिया हुआ होगा, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा। अगर आप वैसे सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आपने इसका मॉडल और फर्मवेयर लिख देना है और ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे डाउनलोड, मैं आपको नीचे लिंक दिया होगा वहाँ पे क्लिक करके लिंक से आप इस वेबसाइट पे आ जाना। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है अपना मॉडल, सिंपली आपने यहाँ पे सर्च कर देना है जो भी मॉडल है। मेरा मॉडल जो है वो है, एक मिनट, DHXVR1A04, ये मॉडल लिखा और इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये पहले यही सर्च हुआ था, तो नीचे वो आ गया है। ये आप देख सकते हैं ये सिंपली ये वाला मॉडल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर 28 MB का है, और ये वो सपोर्टेड मॉडल हैं इसके, ये वाला मॉडल, ये पहला ही हमारा मॉडल है हमारे रिकॉर्डर का। तो इस मॉडल के रिकॉर्डर को ये सॉफ्टवेयर लग जाएगा। उसके अलावा और किस्म के अगर आपके पास हैं तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सपोर्ट सेंटर में, फर्मवेयर में हर किस्म का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिसीवर सॉरी वीडियो रिकॉर्डर का, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर। तो सिंपली ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। ये आ गया, ये इसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे ये वाली जो फ्लैश है, flash.bin, ये हम अब फ्लैश करेंगे प्रोग्रामर के ज़रिए। ये प्रोग्रामर है, अगर आपको फ्लैश करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसी पे बनाऊंगा, फ्लैश किस तरह करते हैं। ये आपने आईसी उतारनी है ये वाली हेड गन के ज़रिए, और यहाँ पे आपने लगा के अगर ये RT809H प्रोग्रामर है, इसमें लगा के आपने जस्ट लगा देनी है फर्स्ट पिन में। और यहाँ पे सिंपली ये प्रोग्रामर है ओपन करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, शायद वीडियो मौजूद भी हो चैनल पे मेरे, आप विज़िट कर दो, वहाँ पे कंप्लीट तरीके कार मैं बताऊँगा किस तरह फ्लैश करते हैं कोई भी मेमोरी चिप। तो यहाँ पे सिंपली आपने स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, अगर आपने यहाँ पे
लगाई हुई है आईसी, तो वो आ जाएगी। उसके बाद आपने ओपन करना है और आपने वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट करना है जिस भी ड्राइव में रखा हुआ है, और इसे राइट करके आपने जस्ट यहाँ पे लगा देना है। और इंशाल्लाह इसमें मैंने कर दिया है, तो मैं आपको चेक करा दूँ, ये बिल्कुल ओके हो गया है। आप देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं ओके हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह आप किसी भी वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का आप फर्मवेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं इस तरीके कार से। यूएसबी से भी हो सकता है, मुमकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म के LED स्मार्ट फोन के कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप, वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।